तो दोस्तों, क्या आपने सुना एनवीडिया के बिल्कुल नए आविष्कार के बारे में? वैसे एनवीडिया एक दो महीने में कुछ ना कुछ कीड़ा करता ही रहता है, लेकिन इस बार तो इसने यार धूम मचा दिया। मतलब इसने कुछ ऐसा इजाद कर दिया है कि यह आपके शरीर में से आपकी आत्मा निकाल सकता है या फिर आपका एक डुप्लीकेट पैदा कर सकता है। ये मेरा मैसेज था। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप कोई गेम खेल रहे हो और आपको कहीं बाहर जाना है, तो आप बाहर भी जा सकते हो, लेकिन फिर भी गेम आप ही खेल रहे हो। इसका राज मैं खोलूंगा थोड़ी देर में। तो चलो यार। तो कैसा चल रहा है सब कुछ? तो यार, आपने कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना है? जरूर सुना होगा यार, या फिर अगर आपने कभी नहीं भी सुना हो तो मैं आपको सीधे सीधे एग्जांपल देकर समझ में आता हूँ, क्योंकि दुनिया आपके कहने से नहीं, आपके एग्जांपल को ज्यादा मानती है। ये किसी बड़े आदमी ने मुझसे कहा था। तो एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड फोन हो या फिर आपके पास कोई आईओएस डिवाइस हो, आईफोन जैसे एक ही एग्जाम्पल है इसका। तो आपने अपने एंड्रॉयड फोन में वॉइस असिस्टेंट का इस्तेमाल तो कभी ना कभी किया ही होगा। अगर एंड्रॉयड यूजर हो तो आपने गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल किया होगा, और अगर आप एक आईफोन यूजर हो तो आपने सीरी का इस्तेमाल किया होगा। तो उनको एक्टिवेट करने के लिए हम एंड्रॉयड फोन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप बोलते हो ओके गूगल। जैसे ही आप ओके गूगल बोलते हो, वो पिंग पॉपअप हो जाता है, और उस पिंग में आपने मान लो पूछा, हे गूगल, व्हाट्स द हाइट ऑफ आईफिल टावर? तो वो आपको जवाब दे देगा। लेकिन अगर यही सेम बात कोई दूसरी कंट्री का आदमी पूछे, जैसे किसी यूएस या फिर यूके जैसी कंट्री का अंग्रेज पूछे, वो ऐसे पूछेगा, गूगल, व्हाट्स द हाइट ऑफ आईफिल टावर? तो उसको भी वही जवाब मिलेगा जो आपको मिला। ऐसा क्यों? जबकि आपकी आवाज बिल्कुल अलग है, आपका प्रोनंसिएशन बिल्कुल अलग है, आपका एक्सेंट बिल्कुल अलग है, और मतलब सब कुछ अलग है यार आपका। लेकिन फिर भी आपको और उसको सेम जवाब क्यों मिला? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गूगल असिस्टेंट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में यूज होता है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम हमारा बाप नहीं है, लेकिन हाँ, हम उसके बाप जरूर है। तो उसमें ऑलमोस्ट इंसान के बराबर सोचने की शक्ति है। तो अगर आपको कोई अंग्रेज पूछेगा व्हाट्स द हाइट ऑफ आईफिल टावर, और अगर कोई हिंदुस्तानी आदमी पूछेगा इंग्लिश में, तो आप समझ जाओगे। तो गूगल असिस्टेंट भी समझ जाता है और आप दोनों को सेम जवाब देता है। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका एक और एग्जाम्पल है ऑटो पायलट। ऑटो पायलट आपने देखा होगा, जैसे पायलट अपने कॉकपिट को छोड़ के आ जाता है और फिर भी प्लेन चलता रहता है, तो या तो उसको दूसरा पायलट संभालता है या फिर वो ऑटो पायलट पे करके आता है। ऑटो पायलट मतलब अगर पायलट नहीं है तो भी वो उसकी उड़ाने के तरीके को सीख कर उसी के हिसाब से हाइट, ये प्लेन की स्पीड और प्लेन का बैलेंस मेंटेन करके रखेगा। और ये काफ़ी सही भी है क्योंकि पैसेंजर प्लेन में ज़्यादा हिलना डुलना होता नहीं है, स्ट्रेट पाथ है, मैक्सिमम उस पे चलना है अपने को। ये हमारे फाइटर प्लेन्स में भी यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादा उसमें मैनुअल काम ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यार ऐसे वक्त पे वॉर जोन के अंदर आप ऑटो पायलट पे करके थोड़ी कि हाँ चिल मार रहे हैं हम और यात्रियों से मिल के आ रहे हैं, नहीं यार। तो इसी का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल और एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट निकाला है एनवीडिया ने। यार देखो, एनवीडिया मुझे खाने को रोटी नहीं देती है, लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में, बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जिस टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाते हैं, 70-80% माल वही बनाती है उस टाइप का। तो एनवीडिया ने एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट निकाला है जिसका नाम है जी असिस्ट। तो अगर आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हो, जैसे CS:GO या फिर Dota 2, और आपकी जो स्क्वाड है उसके साथ आप खेल रहे हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप या तो गेम छोड़ दोगे बीच में या फिर आप छोड़ के कुछ और काम कर रहे हो अपना, क्योंकि इससे आपके टीममेट्स का भी नुकसान हो सकता है, जो कि आपको हमेशा के लिए उनसे नाते तोड़वा देगा। और एक बार डोरी टूट जाती है ना, जुड़ तो जाती है लेकिन उसमें गांठ पड़ जाती है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो एनवीडिया जीसस आपके लिए ही है। तो इसमें कुछ ऐसा होता है कि अगर आप इसको लगाओगे तो इसका पहला जो फीचर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसका नाम है घोस्ट प्ले। अगर वो घोस्ट प्ले एक्टिवेट हो गया तो बहुत अच्छा फीचर है। मतलब यार, अगर आपने मान लो 15 से 20 मिनट पहले कोई पिज्ज़ा ऑर्डर किया और पिज्ज़ा बॉय आपके दरवाजे पर आकर टक 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 कर रहा, उसको तोड़ने की कोशिश में है बस वो, क्योंकि उसको दूसरी जगह भी पिज्ज़ा देने जाना है, क्योंकि वरना उसको फ्री में देना पड़ जाएगा। लेकिन आप गेम भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि आप 4 घंटे से अपनी मरा रहे हो उसको जीतने के लिए, और छोड़ दिया तो अभी हार जाओगे, कहाँ के रहोगे। तो आप घोस्ट प्ले एक्टिवेट करो 3 मिनट के लिए, वो अपने आप आपका गेम संभाल लेगा उसी स्किल लेवल पे जो आपका है ना। जैसे आप खेलते हो वो भी बिल्कुल वैसे ही खेलेगा 3 मिनट तक। आप जाओ, उसको पैसा दो, आपका पिज्जा लो, खाओ,
2 मिनट के अंदर वापस गेम पे। तो मेरे को काफी अच्छा फीचर लगा यार ये इस प्रोडक्ट का, क्योंकि आपको छोटा मोटा काम हो सकता है, आप 2 मिनट में मैगी बना सकते हो। कभी किसी की मैगी 2 मिनट में नहीं बनती, नहीं 5 मिनट में, मतलब 10 से 15 मिनट लग ही जाते हैं। और अगर आपकी मैगी 2 मिनट में बनती है तो नीचे कमेंट में डालो, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा। तो हम बढ़ते हैं इसके सेकंड फीचर की तरफ, जो कि है बॉस बूस्ट। तो अगर आप कोई ऐसा गेम खेलते हो जिसमें छोटे मोटे दुश्मनों को हराने के बाद एक बॉस आता है, मतलब एक राक्षस या फिर सांड या फिर रोबोट टाइप का जिसको आपको हराना होता है, और आप 3-4 अटेम्प्ट के बाद भी उसको नहीं हरा पा रहे हो, तो फिर अरे यार ये मिक्सर का जार किस पे रख दिया है। तो हम वापस अपने पॉइंट पे आते हैं कि अगर आप फिर भी उसको नहीं हरा पा रहे हो तो आप बॉस बूस्ट को एक्टिवेट कर सकते हो। तो एनवीडिया जी असिस्ट अपने हाईएस्ट स्किल लेवल से उसको हरा देगा। लेकिन इसके लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप इसको एक गेम में सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो। तो काफी अच्छा फीचर है, लेकिन यार पर्सनली मुझे फीचर बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसके बारे में मैं आखिरी में बात करूंगा। तो हम बढ़ते हैं इसके थर्ड फीचर की तरफ, जो कि है एनवीडिया नर्चर। और ये बहुत बढ़िया फीचर है यार, क्योंकि अगर मान लो आप 3 या 4 घंटे का कोई गेमिंग सेशन कर रहे हो, उस कुर्सी पे 3-4 घंटे से अपनी मरा रहे हो, सड़ रहे हो, उस पर पसीना आ रहा, नहाए नहीं हो, तो ये आपको बताएगा कि आपको कब ब्रेक लेना है, आपको कब एनर्जी ड्रिंक की जरूरत है, ये आपके लिए फूड खाना अगर हिंदी भाषा में बोले तो वो भी ऑर्डर करेगा। ये काफी सही है, जिससे आपकी बॉडी में फुल ब्लड सर्कुलेशन हो, आप थोड़ा खड़े हो, एक दो राउंड मार के आओ, खाना वाना खाओ और वापस अपने गेम पे चले जाओ। तो ये काफी अच्छा फीचर लगा, काफी प्रैक्टिकल और काफी रियलिस्टिक फीचर है यार ये, क्योंकि इसकी हमें जरूरत भी है। कभी कभी हम खेलते खेलते मालूम ही नहीं पड़ता नाक बहरी है, क्या क्या बह रहा है और पता नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके फोर्थ फीचर की तरफ, जो कि है एनवीडिया गेम ट्रेन। ये इसका फोर्थ फीचर है और सबसे लास्ट फीचर है। तो ये फुल्ली कस्टमाइजेबल एक सिस्टम है, इसको आप पूरी तरीके से अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने स्किल लेवल के हिसाब से। और ये 10,800 गेम्स को सपोर्ट करता है। 10,800 गेम्स मतलब सारे मॉडर्न टाइटल और सारे मेन गेम्स तो कवर हो ही जाते हैं आपके, कोई टेंशन वाली बात नहीं आपके लिए। और जब ये सब कवर होगा, मेरे को नहीं लगता 10,800 गेम कोई साइमल्टेनियसली खेलता होगा। तो इसको आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो और खुद अपने तरीके से यूज भी कर सकते हो। तो मुझे प्रोडक्ट को अगर रेट करना हुआ तो मैं इसको प्रैक्टिकल यूज के हिसाब से रेट करूंगा 10 में से 7। और वो जो मैं 1 मार्क्स इसका काट 3 मार्क्स काट रहा हूँ जो मैं इसके, वो काट रहा हूँ इसके बॉस बूस्ट की वजह से। क्योंकि यार अगर आप बॉस को हराने के लिए भी मतलब एक डिवाइस का यूज करोगे तो क्या मतलब है यार, मतलब गेम आप खुद के एंटरटेनमेंट के लिए खेल रहे हो। तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप गेम एंटरटेनमेंट के लिए खेल रहे हो तो आप कम से कम गेम तो खुद खत्म करो। जब आप गेम जैसी चीज भी किसी और से खत्म करवा रहे हो तो फिर क्या मतलब है। तो काफी अच्छा डिवाइस है, इसके जो फीचर्स हैं उसके हिसाब से आपने सोचा होगा कि काफी बड़ा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। ये बिल्कुल एक पेन ड्राइव के साइज का है, एक यूएसबी टाइप का है। आप इसको यूएसबी में लगाओ, प्लग एंड प्ले है, चलाओ डालो और बस आपका काम खत्म। तो यार मैं जो आपको बात बताने वाला था कि ये फीचर मुझे क्यों पसंद नहीं आया, वो मैंने आपको बताया कि यार कम से कम गेम तो अपने आप खत्म करो यार, गेम जैसी चीज तो अपने आप खत्म करो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करो। और अगर मन में कोई भी सवाल या बवाल है तो नीचे कमेंट में पूछो, पूछा करो यार, पूछो, पूछना आपका हक है। मैं डेमोक्रेटिक हूँ, मतलब आपके लिए, आपके द्वारा और आपका ही। तो इस तरफ एक टेक मैकेनिक का येलो कलर का गोला आएगा, वो इस तरफ आएगा इस तरफ, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आएगा। उस पर क्लिक करो और सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो बताता रहूँ। और इस तरफ कुछ बढ़िया वीडियोज हैं, इनको भी देखो, ये मैंने रिसेंटली अपलोड की, क्योंकि ये वीडियो खत्म होने वाला है, इसके बाद आप क्या देखोगे। तो इनमें से किसी पे क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।